डी ब्लॉक तत्वों के विषय में जान लेने के बाद आइए अब हम एफ ब्लॉक तत्वों के गुणों के विषय में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्वों को नीचे स्थान दिया गया है। यहाँ पर हम देखें कि जो एफ ब्लॉक तत्व हैं उन्हें एफ ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह 4f सबकोश में भरे जाएंगे या 5f सबकोश में भरे जाएंगे, इसके आधार पर इन्हें पुनः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। जो पहली श्रेणी है जो कि लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को अपने में संयोजित करती है, इसे हम लैंथेनम श्रेणी कहते हैं और इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 4f सबकोश में भरे जाते हैं और यह श्रेणी लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को अपने अंदर रखती है। यहाँ पर यह श्रेणी सिरेनियम 58 से प्रारंभ होती है तथा ल्यूटीशियम 71 पर समाप्त होती है। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है वह एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को अपने अंदर समायोजित करती है और यहाँ पर एक्टिनियम के बाद एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक ये 14 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर बता दें कि जो एफ ब्लॉक तत्व हैं उन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक तत्व हैं यहाँ पर हम देखें ये डी ब्लॉक तत्व में जो इनका स्थान है वो लैंथेनम के बाद तथा एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व ही हैं जिन्हें नीचे अलग स्थान दिया गया है। अतः ये संक्रमण तत्वों के बीच में ही छुपे हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें अंतर संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यदि हम इन्हें जो नीचे रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, यदि हम यहाँ पर आवर्त सारणी में बीच में 14 तत्वों को स्थान दे दें तो यहाँ पर हम देखें कि जो आवर्त सारणी का स्वरूप है कुछ सही नहीं रह जाएगा और उसे एक पेपर में एक पेज में पृष्ठ में प्रदर्शित करना में कठिनाई आएगी और इसीलिए सुविधा की दृष्टि से इन 14 तत्वों को, क्योंकि इनके गुणों में भी भिन्नता होती है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के नीचे अलग स्थान दिया गया है। इस तरह से हम देखें कि जो लैंथेनाइड श्रेणी है उसमें लैंथेनम इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन हम देखें कि लैंथेनम तथा लैंथेनाइड तत्वों में समानता होती है उनके गुणों में, इसलिए लैंथेनम का अध्ययन भी हम लैंथेनाइड तत्वों के साथ साथ करते हैं। इसी तरह से जो एक्टिनियम 89 है वह एक्टिनाइड के जो 14 तत्व हैं उनमें शामिल नहीं हैं, लेकिन इनके गुणों में समानता होने की वजह से हम एक्टिनियम के गुणों का अध्ययन भी एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्यों के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लैंथेनम श्रेणी। लैंथेनम श्रेणी के सदस्यों को एक साथ लैंथेनाइड कहा जाता है तथा इन्हें LN के द्वारा, कैपिटल L तथा स्मॉल n, LN के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। यहाँ पर लैंथेनम से शुरू करते हैं तो लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यहाँ पर इसके पहले तक तो जेनॉन तक का जो क्रोड है, उत्कृष्ट धातु तक का क्रोड है वह पूर्ण भरा होता है और इनका जो बाह्यतम कोश होता है उसमें हम देखें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5d1 6s2 क्योंकि यह डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद जो लैंथेनाइड श्रेणी प्रारंभ होती है वह है सीरियम से और सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है जीनान के बाद 4f1 5d1 तथा 6s2 और यहाँ पर हम देखें कि अभी भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वह 5d1 में उपस्थित है। इसके बाद जो अगला जो तत्व आता है वह है प्राइजियोडीमियम और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें जो F4F में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तथा यहाँ पर 6S में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
इसके बाद अगला सदस्य है नियोडिमियम। नियोडियम में एफ में 4F4 इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस होता है तथा 6 में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रोमिथियम। प्रोमिथियम में हम देखें कि 4F5 तथा 6S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद आता है समेरियम। समेरियम में हम देख रहे हैं कि 4F6 6S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इसके बाद आता है यहाँ पर यूरोपियम। यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है काफ़ी स्थायी विन्यास है। यहाँ पर 4S7 तथा 6S2 यहाँ पर विन्यास पाया जाता है। इसके बाद जो अगला तत्व है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम में यदि हम देखें तो यहाँ पर 4F8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन चूंकि हम जानते हैं 4F7 जो कि F जो सबकोश है वो पूरा अर्धभरित होता है और यह स्थायी अवस्था होती है, तो जो यहाँ पर गैडोलिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 4S7 5D16S2 यह इसका विन्यास होता है। और इसी तरह से यहाँ पर जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो 4F में ना जाकर 5D1 में चला जाता है ताकि जो 4F7 की अर्धपूरित अवस्था है वह प्राप्त हो सके। इसके बाद जो अगला सदस्य है वह है टर्बियम, और टर्बियम में विन्यास होता है 4F9 6S2। इसके बाद है डिस्प्रोसियम, और डिस्प्रोसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F10 6S2। इसके बाद है होलियम। होलियम में फिर से 4F11 6S2। इसके बाद ऑर्बियम, और ऑर्बियम में हो जाता है यहाँ पर 4F12 6S2 तथा इसके बाद आता है थूलियम। थूलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4F13 तथा 6S2 यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला तत्व है वह है इटरबियम। इटरबियम में भी हम देख रहे हैं कि 4F14 और 6S2 विन्यास यहाँ पर होता है, तो यह भी एक स्थायी विन्यास है। और इसके बाद जो अंतिम तत्व आता है लैंथेनाइड श्रेणी का वह है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम में भी क्योंकि 4F14 अवस्था इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर 4F14 के बाद जो अगला एक इलेक्ट्रॉन बचता है वह 5D1 में चला जाता है तथा जो बाकी का जो बाह्यतम कोश के 6S2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हम देखें ये सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के लिए 6s2 अवस्था स्थाई है। सभी के 6s2 में यहाँ पर 6s जो ऑर्बिटल है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि यहाँ पर 4f तथा 5d के विन्यास में कभी कभी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद हम लैंथेनाइड श्रेणी के परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं के बारे में जानते हैं, अर्थात हम देखते हैं कि इनका परमाणु आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो लैंथेनाइड से हम लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है उसमें क्रमिक ह्रास होता है, क्रमशः इसमें कम होती जाती है। और यहाँ पर हम देखें कि ये जो लैंथेनाइड है श्रेणी के सदस्य हैं इनके जो परमाणु आकार में कमी पाई जाती है उसके पीछे कारण होता है लैंथेनाइड संकुचन। और यहाँ पर हम देखें कि जो दोनों त्रिज्या की हम तुलना करें परमाणु त्रिज्या तथा जो इनकी Ln+3 अवस्था में जो इनकी आयनिक त्रिज्या है इसको यदि हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो इनकी परमाणु त्रिज्या है इसमें क्रमिक रूप से कमी तो आती है, लेकिन इसमें जो क्रमिक ह्रास हो रहा है उसमें कुछ कुछ कहीं पर अनियमितता देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें लैंथेनम, इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वह 187 पिकोमीटर होती है। उसके बाद सीरियम से लेकर ये धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, और उसके बाद यहाँ पर हम देखें कि जो समेरियम है, समेरियम में आकर यह जो परमाणु त्रिज्या है 180 पिकोमीटर हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो यूरोपियम है उसकी परमाणु त्रिज्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है और यहाँ पर यह 199 पिकोमीटर हो जाती है। और इसके बाद हम देखें जो गैडोलिनियम है और उसके बाद से ल्यूटीशियम तक चलें तो वहाँ पर फिर से परमाणु त्रिज्या में क्रमिक ह्रास होता है। दूसरी ओर यदि हम आयनिक त्रिज्या की बात करें,
और वह भी हम देखें कि जो एलन थ्री प्लस जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उस समय इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है उसमें रेगुलर यहाँ पर नियमित कमी दिखाई देती है। तो जो लेंथेनम है उसकी एलन थ्री प्लस की जो आयनिक त्रिज्या है, या हम कहें लेंथेनम थ्री प्लस, इस समय इसकी आयनिक त्रिज्या होती है 106 पिकोमीटर और उसके बाद यह सिरे यहाँ पर सीरियम से लेकर क्रमशः कम होती चली जाती है और यहाँ पर हम देखें कि ल्यूटीशियम में जाकर या यहाँ पर इटरबियम में जाकर यह हो जाती है 86 पिकोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि 106 से लेकर 86 तक ये क्रमशः इसमें कमी दिखाई देती है। इसके पीछे जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में क्रमिक ह्रास दिखाई दे रहा है वह होता है नाभिकीय आवेश में वृद्धि तथा यहाँ पर हम देखें कि तथा एफ जो ऑर्बिटल है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश में तो वृद्धि होती है लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कुछ अधिक होता है जबकि एफ ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के प्रति वो और भी कम होता है और यही वजह है कि इनका परमाणु आकार अपेक्षित रूप से कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लेंथेनर श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि हम लेंथेनाइड श्रेणी में देखें तो यहाँ पर सभी के लिए प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था विशेष रूप से स्थायी होती है लेकिन इसके अलावा भी ये तत्व प्लस टू तथा प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं और प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के पीछे कारण है अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करना, क्योंकि बहुत सारे तत्वों में जब F2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो या तो उनका विन्यास F0 हो जाता है यानी कि इस समय वो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं जो कि अधिक स्थायी अवस्था होती है, या कुछ तत्वों में यदि अनियमितता दिखाई देती है तो वह इनके अर्धपूरित अवस्था यानी कि F7 तथा पूर्ण पूरित अवस्था यानी कि F14 स्थिति को प्राप्त करने के लिए होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे कि सीरियम सीरियम प्लस टू प्लस थ्री के अलावा प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जब हम सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 58 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं कि यह होता है 4F1 5D1 6S2 और जब यह प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो उस समय हम देखेंगे कि यहाँ पर 6s में से दो इलेक्ट्रॉन 5d में से एक इलेक्ट्रॉन तथा 4f में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इस स्थिति में इसका विन्यास F0 हो जाएगा जो कि एक उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास होगा। तो इसलिए यह प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है लेकिन हम बता दें कि सीरियम प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था में यह स्थायी नहीं होता है और यह यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है और यह तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्लस थ्री अवस्था में आ जाता है जो कि इन सभी लेंथेनाइड श्रेणी के सदस्यों की एक स्थायी अवस्था होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था में भिन्नता देखने को मिलती है वह इनके अतिरिक्त स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए ही होती है। साथ ही साथ हम देखें सीरियम प्लस थ्री ऑक्सीकरण जब अवस्था प्रदर्शित करता है तो उस समय इसके मानक अपचयन विभव का मान काफ़ी अधिक प्लस 1.74 वोल्ट होता है जो भी यह भी दर्शाता है इसके सिरेनियम प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था से सिरेनियम प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होने के लिए विशेष अनुकूल होता है। इसके अलावा हम देखें कि प्रेजियोडीमियम या नियोडियम टर्बियम तथा डिस्प्रोसियम ये तत्व भी प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं लेकिन ये जो तत्व हैं वो केवल ऑक्साइडों में MO2 प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं केवल उन्हीं में ये प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा हम देखें यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था ये जिनॉन के बाद यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s F7
6s2 और इसलिए भी यह प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि 6s में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसे स्थायी अवस्था 4f7 वाली प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये इस स्थिति में बहुत ही प्रबल अपचायक होता है, क्योंकि मैंने बताया इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है जिस पर ये रहना चाहते हैं वो होती है प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था। और प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित करना होता है, और इसलिए ये बहुत ही प्रबल अपचायक होता है। और जब यह यूरोपियम प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में होता है उस समय, और ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से हम देखें इटरबियम, इटरबियम भी प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, और इस स्थिति में हम देखें कि जो इटरबियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f14 6s2, और यदि दो इलेक्ट्रॉन इसके निष्कासित हो जाएं तो इसे स्थाई 4f14 वाला विन्यास प्राप्त हो जाता है। और इसलिए यह भी एक यहाँ पर प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन यह भी एक प्रबल अपचायक होता है, और तुरंत ही यह प्लस थ्री एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निष्कासित करके यह प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि टर्बियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f9 5s2, और यह प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब यह चार इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन 6s2 से और तथा दो इलेक्ट्रॉन 4f से ये, तब उसके पश्चात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 4f7, जो कि स्थायी विन्यास है, और इसी तरह से यह प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन फिर भी यह भी प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में जाने के लिए अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से यह एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तत्वों का ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करना या अपचायक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वह इनके स्थायी विन्यास प्राप्त करने के पीछे का इसका कारण होता है। इसी तरह से हम देखें जो समेरियम है वह भी यूरोपियम की भांति प्लस टू प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लैंथेनाइड श्रेणी के सदस्यों के सामान्य अभिलक्षणों से परिचित होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुण। तो जितनी भी लैंथेनाइड धातुएं होती हैं वह चांदी के समान चमकदार तथा नरम होती हैं, लेकिन वायु में ये अधिक समय तक खुला रहने पर इनका जो चांदी का जो के तरह चमकने का जो गुण है वह धीरे धीरे बदरंग हो जाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो समेरियम है वह विशेष रूप से मजबूत और कठोर धातु होती है, और इसकी कठोरता स्टील के समतुल्य होती है। सामान्य तौर पर हम देखें कि लैंथेनाइड सदस्यों का जो गलनांक बिंदु होता है वह 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के मध्य ही होता है, लेकिन समेरियम चूंकि काफ़ी कठोर धातु है और इसलिए इसका जो गलनांक बिंदु होता है वह 1623 केल्विन के लगभग होता है। और इसके बाद हम देखें कि चूंकि ये सभी धातुएं हैं और इसीलिए इनकी विशिष्ट धात्विक संरचनाएं पाई जाती हैं, साथ ही साथ चूंकि धातुएं हैं इसलिए ये ऊष्मा तथा विद्युत के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कि इन जितने भी इनके भौतिक गुण में उनमें क्रमिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे यूरोपियम है या फिर इटरबियम है वहाँ पर तथा समेरियम यहाँ पर कुछ स्थानों को यदि हम छोड़ दें तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो भौतिक गुण हैं इसमें पूरी श्रेणी में क्रमिक रूप से परिवर्तित होते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनके कुछ रासायनिक गुण। जैसे कि मैंने बताया कि सभी के लिए प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, और यहाँ पर हम देखें कि ये सभी जो तत्व हैं वह अपनी प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन आयन देते हैं, यानी कि इनका जो विलयन होता है या ठोस अवस्था में भी ये रंग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ तत्वों को छोड़ दें जैसे कि लैंथेनम,
लेंथेनम, चूंकि हम जानते हैं लेंथेनम 3+ का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वह उसमें एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जैसे कि हम जानते हैं कि रंग प्रदर्शित करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, और इसीलिए लेंथेनम रंगहीन होता है। साथ ही साथ यहाँ देखें ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम 3+ होने पर भी यहाँ पर एफ 14 विन्यास प्राप्त कर लेता है, और एफ 14 विन्यास में भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इसलिए यह भी रंगहीन होता है। इसके बाद हम देखें इनके चुंबकीय गुण। तो चूंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सभी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। केवल उन तत्वों को छोड़ दें जिनमें कि F0 विन्यास होता है, जैसे कि लेंथेनम तथा लेंथेनम 3+, सीरियम 4+, इसमें भी F0 विन्यास होता है। इसी तरह से जहाँ पर F14 विन्यास होता है, जैसे कि इटरबियम 2+ में तथा ल्यूटीशियम 3+ में, तो इनको यदि हम छोड़ दें तो बाकी के सभी सदस्य जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला और महत्वपूर्ण गुण आता है, वह है आयनन एंथैल्पी। यहाँ पर देखें कि जो लेंथेनम सदस्य हैं उन सभी की प्रथम आयनन ऊर्जा का जो मान है वह लगभग 600 किलो जूल पर मोल होता है, और साथ ही साथ इनकी जो द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है वह 1200 किलो जूल पर मोल के लगभग होता है। यहाँ पर हम देखें कि खासकर लेंथेनम तथा गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम, इनके लिए जो तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान है वह विशेष रूप से कम होता है, और इसके पीछे भी कारण है स्थायी विन्यास प्राप्त करना। क्योंकि हम जानते हैं लेंथेनम जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो इसमें F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यहाँ पर गैडोलिनियम जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो इसके पास 4F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, तथा ल्यूटीशियम जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो इसका विन्यास 4F14 हो जाता है, और इसीलिए स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम ऊर्जा लेकर बाहर उत्सर्जित कर देते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करते हैं तथा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेंथेनम श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण या रासायनिक सक्रियता। यदि हम श्रेणी में देखें तो जो श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य हैं जिसमें कि एफ ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं, वहां पर हम देखें कि इनकी जो सक्रियता होती है वह कैल्शियम धातु के समतुल्य होती है, जबकि ये आगे बढ़ते जाते हैं तो सक्रियता में कुछ कमी आती है और फिर यह एल्यूमिनियम धातु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनकी प्रमुख यदि हम अभिक्रियाएं देखें तो ये बहुत सी तत्वों के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर ये हाइड्राइड बनाते हैं, LnH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इसी तरह से यदि हम इसकी कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं, जैसे कि LnC2, इसके अलावा LN3C तथा LN2C3, ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं, और ये कार्बाइड काफ़ी कठोर तथा मजबूत धातुएं होती हैं। इसके बाद हम देखें कि तनु अम्लों के साथ क्रिया, तनु अम्ल जैसे कि HCl, इनके साथ ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके साथ ही ये हैलोजनों के साथ भी क्रिया करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ क्रिया करके ये LnX3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि इनकी सबसे स्थायी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो Ln3+ ही होती है, तो इनके ज़्यादातर यौगिक हमें इसी अवस्था के प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये ट्राई ऑक्साइड Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीरियम का होगा तो Ce2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनेगा। इसके अलावा जल के साथ क्रिया,
जब ये गर्म जल के साथ इनकी क्रिया कराई जाती है तो ये हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये जो इनका हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है LnOH3। तो इस तरह से ये ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी प्रकृति, क्योंकि ये धातुएं हैं इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसके अलावा यह धातु जैसे कि सल्फर के साथ भी क्रिया करते हैं, और सल्फर के साथ क्रिया कराने पर ये सल्फाइड बनाते हैं, और उनका जो सामान्य सूत्र होता है वह भी Ln2S3 होता है। तो इस तरह से हम देखें कि लैंथेनाइड तत्व भिन्न भिन्न तत्वों के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं।